गुड मॉर्निंग एवरीवान गुड मॉर्निंग हाउ आर यू जी किस किस ने प्रैक्टिस की गुड मॉर्निंग आई लाइनर्स की किस किस ने प्रैक्टिस की अभी yeah. आई लाइनर्स की प्रैक्टिस दिखाओ जल्दी से वेरी गुड असरा शोमी शाबाश लवली लवली वेरी नाइस गुड मजा आ रहा है ना है ना इट्स फन ना टू डू दिस है ना ओके okay, और आप लोगों को अंडर टोन्स नहीं समझ आ रहा था ऑलिव क्या है पीच क्या है यू you नो know, मैं क्या बोल रही हूँ लिफ्टिंग क्या है करेक्टिंग क्या है ये हम सब सीखने वाले हैं डोंट वरी ये एक्चुअली लेक्चर आगे होने होना चाहिए लेकिन क्योंकि आप लोगों को शेड्स चाहिए थे इसीलिए मैंने ये लेक्चर अभी सिखाया आपको ये फिर से हम वापस करने वाले हैं लेक्चर ओके okay? क्योंकि इसमें मैंने समझाया है प्रॉपरली कि कौन सा अंडर क्या है लेकिन अब तक आपने अंडर ही नहीं सीखा है कौन से कौन से अंडर होते हैं और फिर क्या फैक्टर्स होते हैं अंडर वो अंडर टोन आने के लिए अगर मैं येलो बोल रही हूँ तो स्किन येलो क्यों दिख रही है अगर मैं पीच बोल रही हूँ तो क्यों दिख रही है अगर मैं ऑलिव बोल रही हूँ तो क्यों दिख रही है वैसे ऑलिव कलर क्या होता है आप लोगों ने ऑलिव खाया खाया होगा ना पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे कटे हुए होते हैं ना ऑलिव ऑलिव ऑयल जिससे निकलता है ब्लैक होते हैं और वो ग्रीन कलर के होते हैं ग्रीनिश वो प्रॉपर ग्रीन नहीं होता वो ऐसे डल ऐसे ग्रीन होता है ओके okay? फ्रेश ग्रीन नहीं होता उस कलर को कहते हैं ऑलिव ओके okay? क्योंकि वो ऑलिव का कलर होता है ओके यू विल अंडरस्टैंड एवरी अभी आप लोगों को सिर्फ ये काम था कि वो जो शेड्स हैं वो लिखने हैं और जो नोट्स आप अगर लिख रहे हो तो अच्छा है कोई बात नहीं लेकिन उसमें का आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा कि उसका यूज़ क्या है उसमें यू नो you know, क्या क्या लिफ्टिंग क्या है एज अ करेक्टर हम क्यों कर रहे हैं लेवल अंडर ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने थियोरी की नहीं है जैसे जैसे हम लोग थियोरी करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे ये टर्म्स जो हैं ये आपको सब समझ में आने वाला है सो डू नॉट वरी एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज़ अभी के लिए आप लोग सिर्फ ये शेड्स जो हैं ये नाम जो हैं वो लिख लो ताकि आप लोग उसको खरीद सको ठीक है क्लियर ओके okay? सब सब समझ में आएगा टोन्स क्या होते हैं अंडर टोन्स क्या होते हैं यू आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन डेप्थ इन डेप्थ आप लोगों को सीखने वाले हो अंडर टोन्स टोन्स करेक्शन लिफ्टिंग मिक्सिंग एवरीथिंग डू नॉट वरी एट ऑल अभी कंफ्यूज मत होना अभी के लिए आप लोग समझो ये जो है शेड्स है उनके नाम लिख लो वो लिस्ट बनाओ सो दैट यू कैन बाय देम ओके आपके पास में जो भी पैलेट है और उसमें से कुछ मिसिंग है जो भी नंबर्स मिसिंग है, वो आप सिर्फ वो रीफिल ले सकते हो इसीलिए आपको ये लेक्चर अभी मैंने दिखाया ओके सो नेक्स्ट हम लोग अभी करने वाले हैं ब्रशेस और टूल्स की नॉलेज ओके okay? ब्रशेस और टूल की नॉलेज क्यों अभी आप लोगों को ब्रशेस खरीदने हैं टूल्स ख़रीदने हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए बिकॉज़ यू हैव टू गो एंड बाई इट ओके मैं आपको हर बार आपके साथ में नहीं आने वाली या मैं आपको हर बार लिख के नहीं देने वाली है कि नहीं कोई कंपनी आज ब्रश बना रही है शायद कल नहीं बनाए तब क्या करोगे तब आप वेट करोगे कि साब में हम बताएँगे तभी हम लेंगे नहीं ना आप लोगों को ख़ुद को सीखना है ना कि कौन से ब्रशेस सही होते हैं कौन से ब्रश किस लिए यूज़ होता है कैसे हम लोग पिकअप करें कौन सा नहीं ले, कौन से नहीं काम आते एंड कौन से हम लोगों ने लेने हैं किस चीज़ के लिए क्या ब्रश यूज़ होता है क्या क्वालिटी होती है उस उसका मटेरियल क्या होता है फिर कौन से अलग अलग टूल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं जैसे कि मिक्सिंग प्लेट हो गई उसके बाद में ट्वीज़र हो, हो गया आई लैश एप्लीकेटर हो गया आई लेंसेज एप्लीकेटर हो गया सो मैनी थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ब्रशेज एंड टूल्स तो अभी हम लोग करने वाले हैं ब्रशेस एंड टूल्स की थियोरी अच्छे से लिख लेना समझ लेना क्योंकि आप लोगों को ये बहुत काम आने वाली है कि आपके ब्रशेज ही हैं आपका मैजिक वॉन्ड अगर ये मैजिक वॉन्ड के बारे में आपकी सा, आपकी सारी जानकारी नहीं होगी तो फंस जाओगे ना मैजिक कैसे क्रिएट करोगे लेट्स सी ब्रशेज एंड टूल्स की जान